अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे अफ्तार स्पेशल में ठंडी ठंडी सी दही लस्सी, जो झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें बनाना है, जो झटपट से बनके तैयार हो जाएगा मिनटों में। इसे बनाने के लिए हमें मिक्सर जार चाहिए होगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला जार ले लेंगे और उसमें एक कटोरी भर के मैं दही लूँगी। दही की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 ग्लास के हिसाब से बना रही हूँ। और आधा कटोरी यानी आधा कप डालेंगे हम शक्कर। शक्कर भी आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पर डालूँगी मैं 2 हरी इलायची। हरी इलायची पेट के लिए काफ़ी ठंडक देता है और गर्मी भी चालू हो चुका है, गर्मी का भी सीज़न स्टार्ट हो चुका है इसके लिए। और अब से 2 छोटी इलायची डालेंगे हरी वाली और मिक्सर में चला लेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने मिक्सर में चला ली हूँ अच्छे से। जब तक शक्कर अच्छे से पीस नहीं जाता, एकदम मिक्स नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता, इतना हमें मिक्सर चलाना है। तो यहाँ पर देखें अच्छे से घुल चुका है और दही भी एकदम फिट चुका है हमारा अच्छे से। तो बस उसके बाद हम डालेंगे बर्फ़। बर्फ़ का कुछ टुकड़े, आइस डालना है कुछ, तो बस वो डाल देंगे अखे। और डालने के बाद इसे भी फिर से हम मिक्सर में चला लेंगे। तो 4 से 5 बार अच्छे से चला लेंगे ना, 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो बस इस तरह से झाग झाग आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा झाग बन गया है। ये सारे प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है। लेकिन अगर मिक्सर से करेंगे तो झटपट से बन जाता है मिनटों में। तो चलिए फटाफट से हम निकाल से ग्लास में निकाल लेते हैं। जिस तरह से आप बाहर बाज़ारों में पीते हैं, बस उसी तरह से हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो बस इसे मैं गिलास में निकाल, सारे को 4 गिलास के हिसाब से मैंने बनाई थी, तो बस 4 गिलास में डाल लूँगी। तो इस तरह से डाल लें और डालने के बाद देख सकते हैं झाग कितना अच्छा है। तो झाग थोड़ा ऊपर में रह जा रहा है, थोड़ा आराम से डालें कि झाग ऊपर में बच जाए आपका, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ देखें। और उसके बाद ये झाग जो है ना ऊपर ऊपर से डालेंगे, वो जो बाहर वो लोग मिक्सर बाहर जो बनाते हैं ना, इसी तरह से झाग ऊपर से डालते हैं तो काफ़ी मज़े का लगता है। और झाग थोड़ा वैसा पिएंगे ना ऊपर ऊपर रहता है, बहुत मज़े का लगता है। इसके लिए झाग ऊपर से डालें। और उसके बाद तो आपके पास अगर थोड़ा मलाई है तो इस तरह से मलाई भी डाल दें। मेरे पास था मलाई, या फिर थोड़ा दही के ऊपर जो मलाई जम जाता है ना दही के ऊपर, या फिर दूध के ऊपर जो भी मलाई हो ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। नहीं है तो भी चलेगा, उसके बिना भी माशाल्लाह काफ़ी बेहिसाब है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे ना, काफ़ी मज़े का लगता है। थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता था कट किया हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से पिस्ता डाल दे रही हूँ मैं। और ये पिस्ता मलाई डालना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, मैं ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि उसे इस तरह से अगर आप करके रोज़ेदार के सामने रखें ना, तो माशाल्लाह उसको रोज़ेदार के दिल से जो दुआ निकलती है वो फ़ौरन कबूल होती है। और माशाल्लाह मैंने जब बनाई, मेरे शोहर ने पिए, बहुत सारी दुआ दी है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से मेरे कहने पर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।